हेलो मेरे एग्जाम वॉरियर्स, मैं दीपा वर्मा अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चों अपने मार्च मिशन में निकल चुके हैं और आपको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा होगा कि भैया मैंने तो अपनी रणनीति बना ली, मैंने तो अपनी तैयारी कर ली, लेकिन सामने वाला कैसे लगेगा, मतलब सामने वाला कैसे क्वेश्चन देगा, है ना। तो हमें तो राजा मंत्री सिपाही सबको हराना है, हमें तो पूरे पेपर में फतेह हासिल करनी है ना। तो ये पूरी हमारी मार्च मिशन की तैयारी SST की कर रहे थे। अब इसी मार्च मिशन में हम क्या है, थोड़ा सा साइंस का पार्ट भी मैं आपको समझाते चलूँगी, मतलब साइंस में भी आपको कैसे फतेह हासिल करनी है, अपना झंडा कैसे गाड़ना है और वो पूरे 75 75 मार्क्स कैसे लाने, उसकी भी तैयारी मैं थोड़ी कराऊंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान को कौन है, हरीश से ले रहे हैं, तो इसका फिजिक्स पार्ट क्या है मैं लूंगी। इसका पहला लेक्चर हम डाल चुके हैं, क्या चीज, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, हम लोगों ने समतल सतह से पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, गोली दर्पण से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो बच्चों अपनी पूरी तैयारी कर लो, क्या है ना, कोई टेंशन नहीं है भैया, 10 बस 10वीं देना है, उसके बाद तो 11वीं जाएंगे। तो ये सोचो, ये मत सोचो अरे यार 10वीं पढ़ना है, अभी तो ये है वो है, बिल्कुल नहीं, बिंदास। और 10वीं का पेपर इतना सही होता है, इतना मज़ेदार होता है ना, इसको तो बस एकदम मज़े से दो, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं करनी, आराम से पढ़ने, और आधा आधा घंटे वाला है ना, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, ये वाली चीज़ें आपको करते रहनी, ठीक है। चलो हमारा क्या है, इकाई 5 है, ठीक है, जिसमें क्या है, हम प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन समतल सतह से और गोली सतह से, ये हमारा अध्याय 10 था, ये अध्याय 13 है। इस अध्याय से 1, 2 और 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स से क्वेश्चन हम अलग से करेंगे, अभी जितनी तैयारी करेंगे 2 और 5 ही करेंगे, ठीक है। तो बच्चों हमेशा आपको हाफ ऑफ रूल याद रखना है, हाफ ऑफ रूल क्या है, याद करने का, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, आपने जो आज दिन भर पढ़ा उसको रात को सोने से पहले क्या आधा घंटा समराइज करना है, फिर नेक्स्ट डे जब सुबह उठोगे नया पढ़ने से पहले पिछले दिन जो पढ़ा था उसको एक बार और करना है। तो इससे 3 बार, दिन भर पूरा पढ़ा, रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लिया, और सुबह अगले दिन उठने के बाद, तो एक चीज को आपने 3 बार पढ़ा, तो भैया कैसे भूलोगे मुझे ये बताओ, अब भूल के बताओ। तो ये ट्रिक अपना के क्या आपको पूरी चीज तैयारी करनी है ना। डॉक्टर गोली रहते हैं ना, बोलते हैं ना अभी तबियत थोड़ा थोड़ा ख्याल वो लगा थे, तो सुबह एक गोली शाम को एक गोली, सुबह शाम गोली, रात को सो एक पहली, सुबह उठे एक बाद खाली पेट। तो खाली पेट वाली गोली यही है कि सुबह सोने से पहले एक गोली लेनी है आधे घंटे की, और सुबह उठने के तुरंत खाली पेट ये गोली लेनी है। क्या भैया, रिवीजन जब तक नहीं करोगे कोई खाना पीना कुछ नहीं, खाली पेट वाली गोली यही आधी घंटी यही याद दिलाएगी, जो सुबह उठ के दिन भर का पिछले दिन का याद करोगे ना हमेशा याद रहेगा। तो ऐसे पढ़ना है, ठीक है। चलो अपने चैप्टर पे आते हैं, हमारा चैप्टर क्या है, अध्याय 13, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन गोली सतह से, ठीक है। हमने समतल सतह देख चुका था, अभी क्या देखना है, गोली सतह, ठीक है। चलो परावर्तन पहले समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्या थी, आपतित किरण, ये क्या हो गई, टकराकर परावर्तित किरण, ठीक है। इसका हमने क्या किया था, एक भाग को पॉलिश, कोई भी ये जैसे एक प्लेन है उसको क्या कर दिया हमने, एक भाग को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो क्या होगी, इसे किरणें आएंगी टकरा के जाएंगी, किरण आएगी टकरा के जाएगी। अब जो कोई भी किरण आके टकरा जा रही, मतलब क्या, हमारे से कोई चीज निकलेगी टकरा के आएगी, तो हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब, ठीक है। तो जैसे हम जो घर में दर्पण देखते हैं वो क्या है, समतल दर्पण, तो उसमें क्या एक भाग क्या होता है, पॉलिश होता है ना, ऐसे में कांच क्या, पारदर्शी। अगर पारदर्शी चीज को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो वो क्या बन जाता है, परावर्तक, मतलब क्या होता है, अवरोधक। मेरे से अब कोई भी चीजें आएंगी तो क्या होगी, टकरा के वापस रह जाएंगे। तो वो सेम वो चीज कांच में क्या होती है, चमकीली है। तो चमकीली जैसे कोई चीज टकरा के वापस जाए तो क्या बन जाती है, हमारा इमेज, हमारा प्रतिबिंब बन जाती है, ठीक है। तो यहीं पे था, ठीक, ये अभिलंब था भाई, ये क्या था हमारा, आपतित किरण, ये हमारा परावर्तित किरण, और ये क्या है भाई, हमारा अभिलंब है ना। तो ये क्या है, हमारा एंगल आई एंगल आर। तो पहले परावर्तन के दो नियम क्या थे भाई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव समान होंगे परावर्तन में, और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस तल पर अभिलंब, तीनों क्या होंगे, एक ही तल पर होंगे। आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब क्या होंगे, एक ही सतह पर होंगे। तो ये क्या था, परावर्तन के नियम। अब अपवर्तन को देखे हम, ये क्या भाई, कांच का एक वो हो गया, ठीक है। इसमें क्या है भाई, अब क्या होगी, एक किरण आएगी, इस पे ये अभिलंब हो गया, ये टकरा के क्या हो गई, झुक जाएगी।
ठीक है, मतलब वही है ना, हम मस्त गाड़ी पे जा रहे थे एकदम मस्त वाले रोड नेशनल हाईवे में, अचानक गांव का रोड आ गया, डुगुर डुगुर डुगुर, क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, रास्ता खराब हो गया। तो हमारी गाड़ी जो जी स्मूथली चल रही थी वो क्या हो गई, थोड़ी सी डगमगाएगी, डगमगाएगी तो मतलब क्या हो गया, रास्ता बदलेगी। तो यही क्या करती किरण भी भैया, अच्छा खासा विरल में आ रही है, अब इसको टकरा गया किसे, कांच से, कांच क्या हो गया भैया, सघन। तो क्या होगा, इसके वेग में परिवर्तन होगा, वेग कमी आएगी, हम लोग जब अच्छे रास्ते में चल रहे हैं तो स्पीड 60-70 की होती है, जैसे कि गांव की गली में आते हैं हमारी स्पीड क्या 30-40 हो जाती है, तो इसकी स्पीड भी कम होगी, इसकी स्पीड कम होगी तो क्या होगी भैया, स्ट्रेट चल रही थोड़ा सा क्या होगी, मुड़ जाएगी। तो यही क्या थी, स्ट्रेट चल रही थी ये मुड़ जाएगी, तो ये कौन सी हो गई भाई हमारी, आपतित, अपरावर्तित नहीं, अब क्या होगी, अपवर्तित, ये क्या हो गया, अभिलंब। तो इसके दो नियम क्या थे भाई, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होंगे, एक ही तल पर होंगे। और दूसरा यहाँ पे, वहां पे क्या था, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, यहाँ पे क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट, म्यू, अपवर्तनांक, इसी को क्या कहते हैं हम, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या था, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम दो में प्रकाश की चाल, यही क्या होती थी, अपवर्तनांक। ठीक है, तो परावर्तन क्या है भाई, एक कोई चमकीली सतह है उसे किरण वापस जाएगी, अपवर्तन क्या है भाई, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है, तो अभी हम पूरा दर्पण में क्या पढ़ने वाले हैं, परावर्तन मतलब क्या है, एक चमकीली सतह होगी वहां से प्रकाश आएगी और टकरा के वापस रह जाएगी। ठीक है, चलो गोले दर्पण देखो, ये भाई साहब यहाँ पर चेहरा इतना बड़ा सा दिख रहा है और इनका चेहरा यहाँ पर छोटा दिख रहा है, तो यही क्या होते हैं गोले दर्पण, मतलब किसी चीज को बड़ा करके किसी चीज को छोटा करके। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर एक छोटा आ करके घुसा के देखता है, क्या देखता है भाई, वो क्या हमारे दांत को देखता है, नहीं, वो दर्पण से हमारे दांत को देखता है, उसको कैसे दिखेगा एकदम से, तो इसलिए क्या हमारे दांत में घुसाता है। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में क्या इधर होती है, तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां छोटी छोटी कैसे दिखती है, तो यही गोले दर्पण का काम होता है। तो गोले दर्पण में क्या, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलो गोले दर्पण को शुरू कर लेते हैं भाई। ठीक है, गोले दर्पण से अगर प्रश्न देखें तो क्या क्या प्रश्न आते हैं, गोले दर्पण किसे कहते हैं, उसके प्रकार लिखिए, अवतल उत्तर, गोले दर्पण के निम्नलिखित परिभाषित करिए। तो जब हम गोले दर्पण बनाएंगे तो उसमें केंद्र क्या होगा, रेडियस, ये सब चीजें पढ़ेंगे। गोले दर्पण के उपयोग, मतलब आपको अवतल और उत्तल के प्रयोग ही लिखोगे तो यही आंसर बनेगा। ठीक है, चलो गोले दर्पण शुरू करते हैं। गोले दर्पण परिभाषा, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ गोली है गोले दर्पण कहलाता है। बिल्कुल, समतल ऐसा होता है सीधा, परावर्तन पृष्ठ ऐसे हो जाएगा, वहीं अगर ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो ये क्या होता है, गोले दर्पण हो गया भाई। सिंपल सा, समतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ सीधा होगा, गोले दर्पण में गोल होगा, और क्या परिभाषा चाहिए, इतनी तो परिभाषा याद करनी है। ठीक है, गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। अंदर की ओर, ये क्या है, बाहर की ओर टकरा के जा रहा है, क्योंकि इसका अंदर का भाग क्या है, पॉलिश है, यहाँ पे बाहर का भाग पॉलिश है, तो क्या है, ये अंदर की ओर टकरा कर जा रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, गोली दर्पण। ठीक है, चलो अब ये देखो, एक गोला है, इसको हमने क्या किया, बीच से काट दिया। ठीक है, अब इसके भाग को क्या किया मैंने, पॉलिश किया, इधर वाले को, इधर वाले को पॉलिश किया, तो क्या होगा, ये वाला भाग क्या बना, अब ये परावर्तक बन गया अंदर की ओर, क्योंकि बाहर की ओर पॉलिश कर दिया, तो ये क्या होता है भाई, अवतल। अब यदि मैं इधर वाले को पॉलिश कर दूं, अंदर वाले को, ठीक है, तो बाहरी भाग क्या होगा इसका, परावर्तक, इधर से किरण आएगी टकरा के जाएगी, किरण आएगी टकरा के, तो जिसको क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल। ठीक है, चलो देखो, ये गोला है, एक गोला ले लिया, ठीक है, अब इसको क्या कर दिया, बीच से काट दिए, पहले इसको ले लेते हैं भाई, चलो ये ले लिए, बाहरी भाग क्या होगा, हमने क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया, तो परावर्तन का होगा, अंदर से होगा, किरण ऐसे आएगी टकरा कर जाएगी, किरण आएगी टकरा कर जाएगी, किरण आएगी टकरा कर जाएगी, तो परावर्तन कहां से हो रहा है, अंदर से, अंदर से मतलब क्या हो गया, ये अवतल। ठीक है, अब इधर वाले भाग को ले लेते हैं, अंदर भाग को पॉलिश कर दिया, तो परावर्तन कहां से हो रहा है, बाहर से, तो जब परावर्तन बाहर से हो वो क्या होता है भाई, उत्तल। ठीक है, देखो अब अंदर से बाहर से कैसे भाई, इसको मैंने एक गोला बनाया है ना, तो इसका अंदर भाग ये है, तो अंदर भाग से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, इसको एक गोला बनाया,
तो परावर्तन कहाँ से हो रहा है? इस बाहरी भाग से हो रहा है। तो जब परावर्तन बाहरी भाग से हो, ऐसे है ना, इधर से हो, तो क्या होगा? उत्तल। जब परावर्तन अंदर भाग से हो तो क्या होगा? वो अवतल। ठीक, यही चीजें समझनी है। परिभाषा देखो, गोली दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर हो, बाहर को पॉलिश कर दिया, परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर हो, वो क्या होगा? अवतल। गोली दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, तो इसका अंदर वो पॉलिश हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा? उत्तल। तो गोली दर्पण के प्रकार बताओ भैया, दो प्रकार, अवतल और उत्तल। जब परावर्तन पृष्ठ अंदर से हो अवतल, जब परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर हो उत्तल। अंदर अवतल, बाहर उत्तल, ऊपर से उत्तल। ठीक है, दोनों समझ आ गया? ठीक है, चलो अब हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, क्योंकि देखो ये पूरा क्या है, गोला है। गोला का क्या होता है भाई? गोला है, ठीक। इसका क्या होगा? एक सेंटर होगा, ये क्या होगा? रेडियस होगा, ठीक है। अब इस गोले को काट के मैं यहाँ पे क्या बना दूं? अवतल दर्पण बना दूं, ठीक है। तो गोली दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दर्पण है, इसका यहां से यहां तक का जो सेंटर होगा, जो भी यहां पर का सेंटर पॉइंट होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? ध्रुव, ठीक है। अब गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, बिल्कुल, हमने यहां से गोले को उठा के यहां तक ले आए हैं। इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। तो ये क्या है, यहां से हमने उठा के लाया है, इसका सेंटर यहां पे है, तो इसका ये जो पार्ट है, इसका सेंटर यहां पे होगा, तो यही क्या कहलाता है भाई? इसका वक्रता केंद्र, ठीक है। तो आपको ध्रुव का परिभाषा पूछा जाएगा, तो क्या कहोगे? गोली दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र ध्रुव कहलाता है, वक्रता केंद्र। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, और उस गोले के भाग के केंद्र को ही क्या कहते हैं हम? गोली दर्पण का केंद्र कहते हैं, ठीक। आगे देखो, अब क्या? वक्रता त्रिज्या, फिर से देखो, ये गोला है, ठीक, सेंटर, रेडियस। अब इस गोले के भाग को हमने क्या लिया है भैया? ले लिया है ये, क्या किया हमने इसको? पॉलिश कर दिया। तो ये अंदर का भाग, ये सेंटर हो गया। तो ये क्या है? इसी चाप का हिस्सा है, तो ये चाप से और सेंटर से दूरी क्या कहलाती? त्रिज्या। तो यही क्या है? इसकी वक्रता त्रिज्या, सिंपल सा, ठीक है। अब ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये क्या था हमारा? मिड पॉइंट, ध्रुव, और ये क्या है? केंद्र। तो इन दोनों से बीच में जो हम रेखा खींच रहे हैं, वही क्या कहलाती है? हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, फोकस क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक अवतल दर्पण हो गया, यहां पे हमने क्या मुख्य अक्ष खींचा, ये P है हमारा, C है। तो जब कोई किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वो क्या है? फोकस से हो, एक बिंदु से होकर जाती है। तो जिस बिंदु से होकर जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। क्या? जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वो एक बिंदु से जाती है, या जाती हुई प्रतीत होती है। जाती किस में है भाई? अवतल दर्पण में, डायरेक्ट उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है। तो उसके बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? फोकस कहते हैं, ठीक है। और देखो, ये जो इतना पार्ट है, जितना हमने किसी गोली दर्पण का लिया है, स्फीयर का इतना पार्ट काट के लिया है, तो यही क्या कहलाता है? हमारा द्वारक, ठीक है। इतना चीजें समझ आ गई, फोकस क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। चलो एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक। ये क्या था भैया? हमारा गोला है, इसका क्या है? एक सेंटर है, ये रेडियस है। इसके आधे भाग को काटा हमने, बाहरी भाग को पॉलिश किया, तो अंदरी भाग क्या होगा? परावर्तक होगा। अब ये जहां से हमने यहां से काट, यहां से यहां तक को काटा है ना, इतने भाग को काटा है, तो इतने भाग को काटा, वही क्या कहलाता है? हमारा द्वारक। अब इतने भाग का जो मिड पॉइंट है, वो क्या कहलाता है? हमारा ध्रुव। अब ये सेंटर है इसका, तो इसका सेंटर यहां पे आ रहा होगा इस गोले का, क्योंकि जब गोला को ऐसे करोगे तो सेंटर आएगा, ठीक है। तो यही सेंटर क्या कहलाता है? हमारा वक्रता केंद्र, ठीक है। उसके बाद
यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है हमारी? वक्रता, त्रिज्या। अब जब कोई किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस किसी एक बिंदु से होकर जाती है, तो इस बिंदु को क्या कहलाते हैं हम लोग? मुख्य फोकस। इतनी परिभाषा आपको पूरे चैप्टर में पढ़नी थी, ठीक है? क्या ध्रुव जिसका हमने पाठ लिया उसका मिड बिंदु, केंद्र जिस गोले का पाठ है उसका केंद्र वक्रता केंद्र, इसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या, समांतर आती है तो एक बिंदु से होकर जाती है वो है फोकस, और जितना पार्ट लिया है वो क्या है? द्वारक। इतनी परिभाषा क्लियर है, याद हो गई, बस हो गया। अब प्रतिबिंब देखो, एक होता है आभासी और एक होता है वास्तविक। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग अपने आप को क्या है देखते हैं किसमें? रोज दर्पण पे। तो वो हमारा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम लोग के टेलीविजन देखने जाते हैं तो पर्दे पर देखते हैं, सॉरी मूवी देखने जाते हैं तो पर्दे पर देखते हैं, तो वो क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा हो बनता है? सीधा बनता है। हम लोग अपने आपको देखते हैं ना तो सीधा देखते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर है, चलो अब आते हैं प्रतिबिंब की रचना के नियम। प्रतिबिंब की रचना के नियम मतलब क्या है? आपको अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनानी है तो इसकी रचना के नियम, की रचना के नियम क्या क्या होंगे, ठीक है। पहले देखो, जब मुख्य अक्ष किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, ठीक है, तो पहले ये देख लो हम लोग क्या है अवतल दर्पण में, बताते जाऊंगे आपको, ठीक है। ये पी, ये सी। तो जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो क्या होती है? एक बिंदु से गुजरती है। किससे होकर गुजरती थी भाई? फोकस से। तो जब कोणे दर्पण पर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, आपतित हुई, टकराई मतलब परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है किसमें? अवतल में, या गुजरती हुई प्रतीत होती है किसमें? उत्तल में। देखो अब इसका क्या सेंटर इधर होगा, फोकस यहां पे होगा, किरण इधर से आएगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, लेकिन क्या यहां से टकराएगी, यहां से वापस चले जाएगी। तो आप इसको रेखा को मिलाओगे तो किसमें होगी? ये फोकस में जाती है, ठीक है। तो उत्तल में प्रतीत होती है और अवतल में जाती है, ठीक है। तो जब कोई भी किरण समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो किससे होकर जाएगी भाई? फोकस से होकर जाएगी, सिंपल, ठीक है। अगला, जब क्या है फोकस से होकर आएंगी तो क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये आई आपतित किरण, यहां पे टकराई, टकरा के परावर्तन, तो क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर आए, सॉरी फोकस से होकर आएगी तो किससे है? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगला देख लो, जब ये सी पर से आएगी, किसमें से? सी पर से। ये हमारा सी, ये हमारा एफ, ठीक है। तो ये सी से जिस आई टकराएगी और उसी दिशा में क्या है? वापस लौट जाएगी। तो सी से जिस दिशा में आएगी उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। चौथा, ये हमारा पी है, तो इस पर जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से लौट जाएगी, आपतित किरण परावर्तित किरण, वही एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो चार नियम थे भैया। पहला नियम क्या था? समांतर आएगी, फोकस से होकर जाएगी, फोकस से आएगी समांतर निकल जाएगी, सेंटर से आएगी सेंटर पे वापस ले जाएगी, चौथा पी पर जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल से निकल जाएगी। ये चार नियम के बेसिस पे आपको क्या करने हैं? पूरे क्या है प्रतिबिंब की रचना करनी है, ठीक है। चारों नियम समझ गए? फिर से देख लो एक बार भाई, पहला क्या है? समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से होकर आएगी समांतर चले जाएगी, सेंटर से जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे वापस लौट जाएगी, और पी एंगल, पी पे जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे लौट जाएगी। ये है चार नियम, और इसी के नियम बेसिस पे आपको क्या करनी है? प्रतिबिंब की रचना करनी है, ठीक है। चलो अवतल दर्पण पे आ जाते हैं। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब की रचना, ठीक है। पहला क्या है? जब वस्तु अनंत पे हो, ठीक है भाई। पहले अवतल दर्पण बना लिए हम लोग। इस चैप्टर में पूरे डायग्राम है बच्चे, डायग्राम बनाओगे तभी नंबर मिलेगा, ठीक है। पी सी एफ। अब क्या बोल रही? कोई वस्तु अनंत पे है, अनंत पे मतलब रेखाएं कहीं से भी आएगी, पैरेलल आई फोकस से होकर गई, कहीं से भी पैरेलल आई
फोकस से होकर गई, पैरेलल आई फोकस से होकर गई, पैरेलल आई फोकस से होकर गई, तो कहाँ पे बन रहा है भाई, सभी रेखाएं कहाँ पे बन रही है, एफ पे। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, एफ पर। और कैसा दिख रहा है, बिंदु के आकार का, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा हुआ, बिंदु के आकार का, ठीक है। चलो, जब वस्तु सी के पीछे हो, मतलब ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये सी ये एफ, तो ये कहाँ, यहीं पे है। तो पहला नियम लगाते हैं, पैरेलल आएगी फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर आएगी पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। तो कहाँ पे बन रहा है भाई, देखो कहाँ पे बन रहा है, सी और एफ के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, सी व एफ के बीच, कैसा बन रहा है भाई, छोटा, ठीक है। और उल्टा है कि सीधा है, उल्टा। और जब ये पर जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा पे बनती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, आभासी प्रतिबिंब। तो ये कैसा बना भाई, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। जब उधर बने, सॉरी, ये क्या होगी, वास्तविक प्रतिबिंब, ये क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, क्या, जब वस्तु सी पर हो, तो ये हुआ भैया हमारा अवतल लेन, अवतल दर्पण, ठीक, एफ सी पी, ठीक है। अब वस्तु किस पे है, सी पर है, ठीक। पैरेलल जाएगी किससे होकर जाएगी, फोकस से, फोकस से आई किससे होकर जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये कहाँ पे बन रहा है, एग्जैक्ट सेम साइज का है ना, तो कहाँ पे बना, सी पर बना, ठीक। वस्तु के आकार का बना प्रतिबिंब, और कैसा है, वास्तविक है, और उल्टा, ठीक। चलो अब आ जाते हैं, जब वस्तु एफ और सी के मध्य हो, पैरेलल आएगी एफ से होके जाएगी, एफ से होके गई इधर चले गई, तो ये क्या है, मतलब अब क्या है, वस्तु से बड़ा बना, ठीक, वास्तविक, उल्टा, और सी से पार, मतलब सी के इधर बन रहा है, ठीक है। ये दो कंडीशन हो गई। अगला आ जाओ, जब वस्तु एफ पर हो, पी एफ सी, वस्तु एफ पर है, पैरेलल आएगी एफ से होके गई। अब ये ले लो, सेंटर से नहीं आएगी तो पी पर आती, तो कि जितने कोण से आती उतने कोण से क्या है, निकल जाती, ठीक। अब ये क्या, पैरेलल जा रही है, तो ये कहीं इधर नहीं, बहुत आगे जाके मिलेगी। तो यहाँ पे कहाँ पे बनेगा भाई प्रतिबिंब, अनंत पर। कैसा बन रहा है, नीचे ही बन रहा है, मतलब उल्टा हुआ, ठीक। और कैसा बना, वास्तविक, ठीक। ये आपके बना बता दिया आपने, क्या, जब वस्तु एफ पर है, ठीक। अब क्या बचा, वस्तु से बड़ा, और क्या, वस्तु से ऑब्वियस ही बात है बड़ा बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, ठीक। अब आखिरी कंडीशन, जब वस्तु एफ और दर्पण के बीच हो, एफ सी, अब यहां पे आ गया, ठीक। पैरेलल जाएगी किससे होकर गई, फोकस से होकर गई। अब यहाँ पे P आया, ये इधर चला गया, ये जाके इधर तो नहीं मिलेंगे, बट क्या हो रही है, ये तो क्या हुआ, ये आखिरी कंडीशन में क्या हुआ भाई, देखो अब बदलाव आ गया। अब क्या हो गया, पर्दे के उस पार बन रहा है, मतलब कैसा बना, पहला तो प्रकृति क्या है, आभासी। साइज में कैसा है, बड़ा है, सीधा है, उल्टा है, सीधा है। और क्या हो गई भाई, पर्दे के मतलब पीछे, मतलब आप इसको क्या बोलोगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे होता है तो क्या होता है भाई, वो आभासी, ठीक। अवतल दर्पण के 6 पूरा कर लिए, ठीक। देख लेते हैं भाई, जब वस्तु अनंत पर है, ठीक, तो क्या होगी,
पैरेलल आ रही है, फोकस से जा रही, पैरेलल आ रही, फोकस से जा रही, कहाँ पे बना? फोकस पे। जब एफ सी कहीं पे इधर है तो क्या है, पैरेलल आई, फोकस से होके गई, इससे आई इधर गई, तो कहाँ, सी और एफ के बीच बना सी पर है, पैरेलल आई इधर गई, एफ पर आई इधर गई, एग्जेक्ट कहाँ पे बन रहा था, सी पर बन रहा था, समान साइज का, समान एफ और सी के मध्य, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आई इधर गई, तो क्या बन रहा था, सी के पार बन रहा था। ठीक, एफ सी, एफ पर था इधर गया, इधर से निकला, पी पर गया इधर निकला, तो यहाँ पे कहाँ पे बन रहा था भाई, अनंत पर। लास्ट कंडीशन क्या थी भाई, एफ सी पी इन दोनों के मध्य आ गया, पैरेलल गया, एफ से होके गया, ये पी से गया, पी से गया, तो इनको क्या मिलाया हमने, पीछे, तो ये क्या बना, बड़ा बना। ठीक, ये छह कंडीशन पढ़ लिए, अनंत पर है तो कहाँ पे, फोकस पर। ठीक, सी के इधर है तो सी और एफ के बीच, सी पर है तो सी पर बना, सी सी और एफ के बीच आया तो सी के इधर चला गया। ठीक, एफ पर आया अनंत पर चला गया, एफ और पी के बीच आया तो एक कंडीशन क्या हुआ, बड़ा। ठीक, तो देखो अनंत पर है, अनंत पर था, कहाँ पे बना, फोकस, अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा। ठीक, सी से परे था, ठीक, सी से परे था, कैसा बन रहा था, सी और एफ के बीच में, ठीक, एफ और सी के बीच में छोटा बन रहा था, वास्तविक उल्टा बन रहा था, सी पर था, सी पर ही बना, समान आकार का बना, वास्तविक और उल्टा बना। ठीक, सी और एफ के बीच में, सी से परे बना, विवर्धित बहुत बड़ा बना, वास्तविक उल्टा बना, एफ पर आया तो चला गया अनंत पर, अत्यधिक बड़ा, वास्तविक और उल्टा। एक कंडीशन एफ और पीच के पास आया एकदम तो क्या बना, दर्पण के पीछे, विवर्धित बड़ा और आभासी और सीधा, पर्दे की इधर चला गया, दर्पण के मतलब क्या बन गया, वो आभासी और कैसा था, सीधा। ठीक, चलो अवतल दर्पण के प्रयोग देखो, तो ये देखो जब एकदम पास था तो क्या कहें, चीजों को बड़ा करके दिखाई। ठीक है, तो डेंटिस्ट क्या करेंगे, पास लाएंगे तो क्या हमारे दांत के जम्स क्या दूर दिखेंगे, शेविंग के लिए हमें पास लाना पड़ेगा, तो जब चीजों को बड़ा करके देखना होता है ना, छोटी चीजों को बड़ा करके, तो हम क्या लेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण के प्रयोग देख लो, टार्च, सेटेलाइट, वाहनों के अग्रदीपों में, हेडलाइट में, चेहरे को बड़ा करके देखने में, दंत विशेषज्ञों में। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के, केंद्रित करने के लिए क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, पहला लाएगी फोकस जाएगी, पहला लाएगी फोकस, तो ये क्या करता है, एक जगह केंद्रित करता है, तो सौर्य, जब हमें सौर्य भट्टियों में क्या करना है, सौर्य की ऊर्जा को एक जगह एकत्रित करना होता है, तो एकत्रित करने वाले दर्पण कौन से होंगे, अवतल। तो अवतल दर्पण के प्रयोग क्या होंगे, आपको ये सब बताने होंगे। ठीक, अब आते हैं हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की रचना। ठीक, इसमें केवल दो कंडीशन होंगे। ठीक, इसका क्या है, आंतरिक भाग वो होता है पॉलिश होता है, तो बाहरी भाग से क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक, तो इसके एफ और सी इधर होते हैं। ठीक, अब क्या वस्तु अनंत पर है, तो क्या पैरेलल लाएगी, फोकस से जाएगी, लेकिन क्या ये टकरा के तो इधर ही निकल गई ना, आई टकराई वापस गई, आई टकराई वापस गई, लेकिन किससे होकर जाएगी, फोकस से। ठीक, तो कहां पे बन रहा है भाई, फोकस पर। आकार क्या है, बिंदु इधर था, इधर आया, मतलब क्या हो गया, आभासी और कैसा है, सीधा। ठीक, दूसरा कंडीशन, जब वस्तु उत्तल दर्पण से एक निश्चित दूरी पर हो, एफ सॉरी इधर इसका राइट साइड होगा, एफ सी, ठीक, कहीं भी यहां पर रख दो, पैरेलल लाएगी, किससे होकर जाएगी भाई, फोकस से, इधर निकल गई। ठीक, दूसरी क्या है, सी पर से आएगी, सी पर से निकल जाएगी, फिर से देख लेते हैं इसको एक बार, ये है पैरेलल आएगी, ऐसे निकलेगी। ठीक, सी पर इसको जाना है, सी से आएगी और क्या है, उसी दिशा में निकल जाएगी, तो ये कहाँ पे बन रहा है भाई, ये
कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है, ठीक। कैसा बना? छोटा, सीधा, आभासी और पी व एफ के बीच, ठीक। तो ये क्या है? बड़ी सी चीजों को क्या किया इसने? छोटा किया। तो जब बड़े बड़े गाड़ियों को छोटा करके देखना होता है तो हम कौन सा यूज करेंगे? उत्तल दर्पण, ठीक है। तो हमारी गाड़ियों के पीछे हेडलाइट, इधर लाइट लगी थी दर्पण, उसमें क्या पीछे से बड़ी गाड़ियां भी क्या करती है? छोटी दिखती है, तो उसमें हम कौन सा यूज करते हैं? उत्तल दर्पण। ट्रैफिक में कई बार बीच में बड़े बड़े क्या दर्पण लगे होते हैं कि उधर से गाड़ी आनी, इधर से गाड़ी आनी दिख जाए। तो बड़ी बड़ी ट्रक क्या छोटे से दर्पण में दिखती है ना, तो क्या है, बड़े से चीजों को छोटा करके देखने में हम क्या यूज करते हैं? उत्तल दर्पण, ठीक। तो देखो, उत्तल दर्पण पे जब अनंत पर है कोई वस्तु तो फोकस एफ के पीछे बनेगा, ठीक है। अत्यधिक छोटा, विंडो के आकार का, आभासी और सीधा होगा। अनंत और दर्पण के बीच में है तो पी और एफ के बीच बनेगा, छोटा बनता है और आभासी और सीधा। तो उत्तल और अवतल में सबसे बड़ा अंतर, अवतल में वास्तविक और उल्टा, उत्तल में आभासी और सीधा, सबसे बड़ा अंतर ये होता है, ठीक। चलो, उत्तल दर्पण के प्रयोग करें तो वाहनों के पश्चिद में करते हैं, ठीक है। और इसको प्राथमिकता क्यों देते हैं भाई? क्योंकि ये हमेशा सीधा इमेज देता है, ठीक है। अवतल में क्या था? उल्टा बना था, लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा क्या था? सीधा इमेज देता है। इसलिए क्या है, गाड़ियों के हेडलाइट में और हमारे क्या है वो हम लोग सॉरी गाड़ियों के जो पीछे वाले भाग लाइट होती है और ट्रैफिक में हम लोग क्या करते हैं? उत्तल लेंसों का ही, उत्तल दर्पणों का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण के प्रयोग और उत्तल दर्पण के प्रयोग, ठीक है। गोली दर्पण का प्रयोग उत्तर आंसर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या है, दोनों के दो दो प्रयोग को लिखना होगा, ठीक। अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अभिसारी और अपसारी, ठीक। अब देखो ये क्या है हमारा अवतल, ठीक। कोई भी किरण पैरेलल आती है किससे होकर जाएगी? फोकस से। कहीं से भी आ रही है फोकस से होकर जा रही, कहीं से भी आ रही फोकस, फोकस से होकर जा रही है, मतलब क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। तो यही क्या होती है? अपसारी। तो अभिसारी कौन सी होगी भाई? जो किरणों को एक जगह केंद्रित करे, केंद्रित कौन सी कर रही है भाई? अवतल, ठीक। अब आ जाते हैं उत्तल पे, पैरेलल आएगी इधर बिखरेगी, पैरेलल आएगी इधर बिखरेगी, पैरेलल आएगी इधर जाएगी, पैरेलल आएगी इधर जाएगी। तो ये क्या कर रही है? रेस को फैला रही है, मतलब क्या कर रही है? ये अपसारी। अपसारी कौन सी हो गई भाई? हमारी उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अगर पूछा जाए अभिसारी दर्पण कौन सी है तो अवतल दर्पण, अपसारी कौन सा है तो उत्तल दर्पण, ठीक है। चलो आगे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। तो अवतल क्या है भाई? अवतल दर्पण किनारों का भाग उभरा हुआ बीच में दबा होता है, उत्तल दर्पण में किनारों का दाब दबा हुआ और बीच का भाग उभरा होता है, ठीक। अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर अभिसारित होती हैं, केंद्रित होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है? फैलती हैं, अभिसारित होती हैं। यह दर्पण अभिसारी दर्पण है, यह दर्पण अपसारी दर्पण है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक, इसमें सीधा और आभासी। आप ये सब क्या है? अंतर लिखोगे, ठीक। आगे चलो, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। हम लोग जो डेली लाइफ में अपने आप को देखते हैं वो क्या होता है? समतल दर्पण। वहीं उत्तल दर्पण क्या होता है? चीजों को, बड़ी चीजों को छोटा देखने में यूज करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं भाई। समतल दर्पण का तल स्पर्श करने पर क्या होता है? समतल होता है। ये क्या होता है? बीच में उभरा और इधर दबा होता है, ठीक। इससे प्रतिबिंब सदैव सीधा और वस्तु के आकार का बनता है, बट इसमें सीधा तो बनता है लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से उतनी है जितनी की दूरी है। जैसे मैं अगर यहाँ पे और दर्पण वहाँ पे है तो मेरी प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से भी उतनी ही दूरी पे दिखाई देगी, लेकिन इसमें उत्तल दर्पण में क्या है? उतनी दूरी नहीं दिखाई देती, ऐसा लगता है कि पास में है, ठीक। तो ये क्या है? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर हुआ, ठीक है। देख लो भाई अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है। स्पर्श करने पर समान तल होता है, बीच में उभरा होता है, सदैव सीधा और वस्तु के आकार का, सीधा वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब की दूरी समतल से उतनी ही दूरी होती है जितने दूर में वस्तु होती है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है, ठीक। ये दोनों हो गए। अब आगे चलो भाई, बताइए कि आप समतल, अवतल और उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे स्पर्श करके। तो भाई फ्लैट है तो क्या हो गया है? समतल। बीच में पतला, ऊपर में उभरा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? अवतल। बीच में उभरा हुआ, ऊपर दबा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल। बस
समतल है तो समतल दर्पण होगा, परावर्ती पृष्ठ, ठीक है, परावर्ती पृष्ठ समतल है तो, ठीक है, दबा हुआ है परावर्ती पृष्ठ तो अवतल, उभरा हुआ है परावर्ती पृष्ठ तो उत्तल, बस यही तो बताना है आपको, ठीक। आगे, प्रतिबिंब देखकर यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा वस्तु के आकार का बनेगा तो वो समतल दर्पण होगा। यदि दर्पण के सम्मुख रखी अलग अलग परिस्थितियों में प्रतिबिंब कभी सीधा बन रहा है, कभी उल्टा बन रहा है, कभी छोटा कभी बड़ा, तो वो क्या होगा, अवतल। यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और वस्तु से छोटा बने तो वो क्या हो जाएगा, उत्तल, ठीक है। यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा वस्तु के आकार का बने तो वह समतल होगा। यदि दर्पण के सम्मुख अलग अलग स्थितियों में रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा उल्टा हो, अवतल हो जाएगा। यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु प्रतिबिंब सदैव सीधा और वस्तु से छोटा बने तो क्या हो जाएगा, वो उत्तल, ठीक। इतनी चीजें आपको क्या है, अगर ये क्वेश्चन आता है, क्या बताइए कि आप समतल, अवतल, उत्तल दर्पणों की पहचान कैसे करेंगे, तो स्पर्श करके और प्रतिबिंब देख के, ये दो चीजें आपको कंडीशन बतानी होगी, ठीक। तो बच्चों, ये आपका दर्पण से पूरा क्वेश्चन था, ये आपका क्या है, अध्याय 10 और 13 दोनों मिला के पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अध्याय 10 में हमने पूरे क्या है, परावर्तन अपवर्तन क्रांतिक कोण को समझा। अध्याय 13 में आज हमने दर्पण से परावर्तन को समझा, ठीक है। इसके आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, दर्पण के कुछ और चीजें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप क्या है, लेंस में जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके चीजों को पढ़ो, हड़बड़ी नहीं करना है। ये जब ये पूरी चीजें खत्म हो जाएंगी कॉन्सेप्ट, तो मैं क्या आपके इसके न्यूमेरिकल कराऊंगी, ठीक। तो इसी तरीके से वीडियो को देखो और क्या है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करो और क्या है, अपने एक एक क्वेश्चन को क्या लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी इसी तरह करते रहे।